एपिसोड कंटिन्यू करने वाले हैं या माइंड। हाँ, तो आज हम लोग अपना एपिसोड कंटिन्यू करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी हेल्थ फुल कर लेता भाई, क्योंकि मैं अभी तुम्हें कल लास्ट एपिसोड में जैसे आपने देखा होगा, मैं एकदम स्केलेटन से मरते मरते बचा हूँ। आज मैं ये सब नहीं चाहूँगा, पहले तो मैं अपने हेल्थ फुल कर लूँ, तब तक बैठ के देखूँ मैं क्या क्या अभी चीज़ें मुझे ज़रूरत है जो मेरे पास नहीं है। और वो स्केलेटन अभी तक बाहर टहल रहा है। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इस समय कॉबल स्टोन चाहिए, जिससे मैं फर्नेस में अपना आयरन स्मेल्ट कर सकूँ। मेरे पास 6 आयरन है, 6 कॉबल स्टोन है, मुझे 2 और कॉबल स्टोन चाहिए आयरन स्मेल्ट करने के। सबसे पहले मैं देखूँ स्केलेटन है कहाँ। अरे अरे, वहीं पर बैठा, इधर इस तरफ आए जल जाएगा। पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और मैं सोच रहा पीछे के रास्ते से नहीं निकलता हूँ। कॉबल स्टोन लेके आऊँगा, फिर अभी स्केलेटन को बचाता हूँ, बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। जल्दी से निकल के मैं कॉबल स्टोन लेके आऊँ। वो यहाँ पे रैबिट टहल रहे, ये प्लेस बड़ी अच्छी है, लेकिन आ गया कॉबल स्टोन। 1, 2, बस मुझे बस यही सब चाहिए। मैं वो वापस टॉप पर जा रहा हूँ, चलो मैं वापस जा रहा हूँ। मुझे अभी कोई पंगा नहीं चाहिए किसी मॉब से, इसलिए अभी मैं वापस जा रहा हूँ। और पहले जाके मैं तो अपना मैं फर्नेस बनाऊँगा, फर्नेस में अपना आयरन स्मेल्ट करूँगा, फिर मैं अभी और मैं जरा बाहर अभी कल मैं सीप ढूँढूँगा। कब से मैं अपने लिए मैं वो बना लूँ, फर्नेस तो काफ़ी है। चलिए फर्नेस आ गई फाइनली। हाँ, मैंने घर पे टॉर्चेस भी नहीं लगाई, मैं नहीं चाहता कि रात को आके घर पे क्रीपर स्पॉन हो जाए। कल जैसे आपने देखा ही था, क्रीपर ने बस भाई जान ले ही ली थी। चलो मेरे पास कोल है, आयरन स्मेल्ट करा जाए, तब तक बैठ के यहाँ पे देखा था कि यहाँ अपन तब तक थोड़ी प्लानिंग करी जाए। सबसे पहले तो मुझे अभी खाने की ज़रूरत है, मेरे पास खाना बिल्कुल नहीं है। और मेरे पास एक चेस्ट है, चलो चेस्ट बना लेता हूँ, मैं अपनी चेस्ट यहीं रखता हूँ। ये अभी टेम्परेरी घर है, मैं इसको अभी बड़ा करूँगा, उसमें और सारी नई नई चीज़ें लगाऊँगा, सीड्स रख देता हूँ। फूल पौधों की ज़रूरत नहीं है, नए नए तरह के फूल पौधे पड़े हुए हैं गाइस। सबसे पहले तो मैं अपने आयरन स्मेल्ट होने का वेट कर रहा हूँ, हो गया, एक्सपी मिल गई, यस। चलिए मैं अपना ये शील्ड बनाता हूँ। तो यार मेरे पास फाइनली एक शील्ड आ चुकी है, अब मैं ये शील्ड पहन लेता हूँ। अब मैं बाहर उस स्केलेटन को समझाता हूँ। आ गया। रॉटन फ्लैश की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पहले यहाँ पे सीप ढूंढनी है भाई। बस कोई क्रीपर ना आ जाना। बोला क्रीपर, आ गया क्रीपर, टहल रहा है। मुझे अपनी सेंसिटिविटी कम करनी पड़ेगी भैया, मैं झेल ही नहीं पा रहा। इसको हटा दूँ, हाँ इसमें वैसे भी इसमें ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, नहीं 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 सॉरी भाई, गलती हो गई। अब भाई गलती हो गई, अब अगर मुझे सोना भी होता मैं सो भी ना पाता, क्योंकि इस समय बाहर राक्षस टहल है। एक और दिन इसी तरह निकालना पड़ेगा भाई। तू हट जाए वहाँ से, चला गया, बढ़िया। एक और दिन गड्ढे में निकालना पड़ेगा। आ भाई गड्ढे आ, मुझे फिर से आज रात के लिए पनाह दे दे। तो चलिए अभी मैं मिलता आपसे सुबह। सो ये गाइस, पता नहीं अब क्या है, मुझे राक्षसों की अब आवाज़ नहीं आ रही, चलिए चेक करते हैं। तो सो ये गाइस, अब सुबह हो चुकी है।
मैं तो रिकॉर्डिंग पॉज करके मैं बाहर अभी चला गया, अभी मैं अंदर आया हूँ। चलिए इसको मैं तो धकता हूँ। हाँ अब बाहर चलते, इस पेड़ को हटाना पड़ेगा सब राक्षसों को। क्रीपर? ना भाई कितने क्रीपर है यहाँ पे। लाइट टॉर्चेस लगानी पड़ेगी, यहाँ पे पेड़ भी हटाने पड़ेंगे। सब पेड़ है ये, उनको वो देते हैं रहने की जगह। ये है रैबिट। तो सबसे पहले आप मुझे दिया, सबसे पहले तो मैं सोचा था कि आज मैं कोई माइन एक्सप्लोर करूँगा। तो देखते हैं यहाँ पे, मुझे तो बस कुछ खाना खाने के लिए चाहिए। मैं भूख से मर रहा हूँ लिटरली। कुछ खाने को नहीं है, स्केलेटन पानी के अंदर तैर रहा है। चाहे तो मैं रॉटन फ्लेश भी खा लूँ, मुझे बस थोड़ी देर शांति में खड़े रहना है। मैं चाहे तो रॉटन फ्लेश भी खा लूँ। सो इफेक्ट नहीं पड़ता ज़्यादा। रॉटन फ्लेश कितनी देर तक इफेक्ट करता? 25 सेकंड मुझे सीधे खड़े रहना है। किसी को परे प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ पे? मैं सोचा उस पहाड़ पे जाऊँ। उस पहाड़ पे मैं देख सकता हूँ कि आसपास एरिया में है क्या। पहले हंगर का इफेक्ट, ये हंगर का इफेक्ट मैंने देखा कि पीसी में धीरे धीरे जाता है और बेडरॉक एडिशन में बहुत तेज़ी से जाता है। मतलब तेज़ी मतलब कि हमारी हंगर बहुत जल्दी लेता है। बेडरॉक एडिशन में तुम अगर खा लो इसको और तुम थोड़ी देर सीधे खड़े रहो, तुम्हारा कोई हेल्थ नहीं जाएगी। चलिए फुल स्पीड में जाते हैं। मुझे उधर सीप भी मिल जाए और थोड़े खाने के लिए सामान भी मिल जाए। हाँ उधर मुझे नदी दिख रही है, फाउंटेन। बढ़िया, ये हाई माउंटेन एरिया है, हाई हिल, पता नहीं क्या कहते हैं। भाई तेरे पास हेल्थ नहीं है, शांति से चल। फूल कितने हैं यहाँ पे? डाई की कमी नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ से, यहाँ पम्पकिन बहुत है, मुझे पम्पकिन सीड्स की कोई चिंता नहीं है यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे कुछ खाने के लिए तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। अबे यार मैं पक्का भूख से मरूँगा। तो भाग क्या है? मैं भाग जान मुझ रहा, मैं भागता रहूँगा। जितना मैं भागूँगा उतनी जल्दी मेरा हंगर मुझे अफेक्ट करेगा। अभी भाई कितना, भाई मुश्किल से 2 ब्लॉक के जंप में मरे जा रहे हो। पे चल क्या रहा है तेरे साथ स्टीव? क्या चल रहा भाई, तुम 2 ब्लॉक की जंप नहीं कर पाते हो? तेरी 2 ही 3 ब्लॉक की, क्या कर रहे हो भाई? कूद ना। ना 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 नहीं 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 भाग 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 नहीं। ये कहाँ ला गया मैं, आ गया। अबे यार क्रीपर भाई, यार भाई आज ना करो ऐसा, तुम नहीं मानोगे ना, फटो भैया। फिर इस गेम में तो कुछ नहीं मिल रहा, ग्रेवल है ग्रेवल, कुछ नहीं इस गेम में। तो मैं अपनी टॉर्चेस का वेस्ट करूँ? मैं ले जा रहा हूँ अपनी टॉर्चेस, मैं अपनी टॉर्चेस ले जा रहा हूँ यार। यहाँ पर कुछ है ही नहीं यहाँ गेम में। क्या यार कैसे दिन आ गए, बार बार ऐसे ही तुम चल चल के वापस टॉर्चेस ले रहे हो। ये कुछ एडवेंचर वेडवेंचर होता नहीं है यार मेरा, बस मैं इसी तरह के रिसोर्सेस कलेक्ट करने के चक्कर में देर हो जाती है। अब मुझे इस पहाड़ के टॉप पर जाना है। अब जाना कहाँ से ये देखना है। वो देखे उड़ता हुआ क्रॉस लग रहा है। अबे यार कर जाना कहाँ से ऊपर? चलो भैया पहाड़ के टॉप तक चलो, वहाँ पे देखा जाएगा करना क्या है। ऐसे पहाड़ भी तो नहीं एकदम सीधे सीधे पहाड़ है, कहाँ से मैं चढ़ जाऊँ भैया? पक्का मैं फॉल डैमेज से ही मरूंगा आज, मेरी किस्मत में लिखा है। हाँ जल्दी ऊपर पहुँचो भैया, अगर मैं यहाँ से गिरा ना तो मेरी डेथ लिखी है किस्मत में, और कुछ नहीं बस मौत लिखी है।
चलो पहाड़ के ऊपर फंसा गया मैं। तो यार मैं पहाड़ पर आ गया। अब यहाँ से देखो यहाँ पे है क्या। यहाँ पे तो यहाँ पे एक नदी है और उस तरफ भी पहाड़ है थोड़ी सी क्लियर है। वहाँ पे भी दूर दूर तक जंगल है। यहाँ पे ये क्या आधा कटा हुआ पेड़। पक्का हीरो ब्राइन यहाँ पर है। तो नीचे थोड़ी सी सैंड। काऊ उससे मुझे कुछ मिलेगा नहीं भाई। अबे मैं गया। एक हार्ट की हेल्थ बची है। मैं मरूंगा। वापस जाना है भाई। वापस चल बस। अबे ये स्प्रिंट क्यों नहीं। मैं गया मैं गया। नहीं आ यार क्यों। अबे यार ट्राइडेंट के चक्कर में। ट्राइडेंट वाले के चक्कर में। अब मैं ये कहाँ आ गया। मैं वापस स्पॉन पर आ गया। मुझे याद भी नहीं मैं कहाँ पर था। ये भी नहीं याद है मैं कहाँ पर था। मैं शायद इधर गया था। हाँ मैं इधर ही गया था। स्पाइडर भाई तू क्या। जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तुम थी कहाँ। मुझे तेरी ज़रूरत थी। गायब कहाँ थी। अबे यार मुझे और सीप की आवाज़ें आ रही है। वो हो रही। मरोगे तुम। मर चिकन। चिकन मर मर गए। हाँ मुझे इतना तो याद है कि मैं यहाँ पर आया था। मुझे ये लॉक भी मिला था। यस मैं वापस पहुँच रहा हूँ। बस मैं वापस आ गया। मेरा घर यहीं पर ही होना चाहिए। यार मुझे केव में नहीं करना। स्केलेटन नहीं। अभी नहीं भाई। स्केलेटन भाई छोड़ दे यार आज रात भर के लिए। स्के ज़ॉम्बी। मैं गया। मैं फिर से गया। अबे यार हैंग ना कर। भैया अगर स्केलेटन ने अगर पानी से मारा ना मुझको बता दे रहा। माइनक्राफ्ट भैया पानी में तो ये चला कैसे लेते हैं भाई। पानी में तो एरो गिर जाती है। हाँ वापस आ गया। मेरे पास कुछ है भी नहीं खाने भर के लिए। हाँ मेरा आयरन। मैं स्टार्टअप फिर से कर सकता हूँ लेकिन ऐसा कुछ ना हो। मुझे इस सब की वो करना चाहिए भाई। क्या हुआ यार। हाँ यार मेरे पास भूल तो है कि मैं इतना भूल नहीं है कि मैं अपने लिए मैं पूरा बंदोबस्त कर लूँ सोने का। मैं अभी इतना भूल नहीं है। तो यार क्या करे बताओ भाई। यार देख रहे हो किस्मत। किस्मत का खेल। आप यार कुछ लोगों के लिए माइनक्राफ्ट बहुत लकी होता है। मेरे लिए तो अभी अनलक्की चल रहा है माइनक्राफ्ट। तो यार गाइस आपसे फिर से मैं सुबह मिलता हूँ। सो या मैं अभी वापस आया तो देखते। हाँ सुबह हो गई है। अबे यार मेरा मान नहीं। ये क्या स्मेल्ट। वापस लाओ ये खाना। स्मेल्ट करो।
ज़ोंबी की अभी तक क्यों आवाज़ आ रही है? मेरे पास वुड है ना, मेरे पास वुड है ना कुछ है, सब किस्मत खराब चल रहा है। हाँ तो मेरी किस्मत अभी ख़राब चल रही है, तो पहले मुझे वुड चॉप करना पड़ेगा। अबे उस ट्राइडेंट के चक्कर में, उस ट्राइडेंट वाले ने मार दिया मुझको। मुझे भी ज़ॉम्बी की आवाज़ क्यों आ रही है मेरे नीचे? लग रहा है मेरे नीचे केव है, तो मुझे ऐसा इल्यूज़न हो रहा है। चलो कुछ नहीं है, वापस जाता हूँ मैं। तो यार मैं ये बताना चाहता हूँ कि हो सकता है इस सीरीज़ में मैं एपिसोड रेगुलरली ना डाल पाऊँ, क्योंकि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है भैया, ये स्कूल के चक्कर में इतना टाइम नहीं कि मैं रेगुलरली वीडियोस डालूँ। तो अगर आपको वीडियो कम देखने को मिले या हफ्तों में बस दो ही तीन एक ही बार वीडियो आए, तो आप मुझे माफ़ कर दें, इसमें मेरी गलती नहीं, इसमें मेरे स्कूल वालों गलती है। उनको बताइए, मेरे अपने आयरन में यूज़ कर लेता हूँ, दो पिकैक्स बना लेता हूँ, एक एक्स बना लेता हूँ, बस अगेन स्टार्टअप के लिए ठीक है। और मेरे पास एक थोड़े से प्लैंक और बना लेता हूँ, मेरे पास शील्ड के लिए प्लैंक नहीं है, बहुत बढ़िया। मैं कभी तैयारी से कोई काम नहीं करता हूँ, और हड़बड़ 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 के चक्कर में मैं वहीं जाके मर गया। मैंने कोई प्लानिंग ही नहीं करी, बस मैं पहुँच गया। यानी कि मेरे इतने दिन ये सब के चक्कर में वेस्ट हो गए, मेरे ये दो एपिसोड सब प्लानिंग के चक्कर में मर गए, ख़त्म हो गए, मर गया बता। थोड़े और मैं कलेक्ट करूँ, चलिए जल्दी से मैं कलेक्ट करता हूँ। चलिए कलेक्ट हो गए, और मेरी ऑडियो, मेरी रिकॉर्डिंग को और मेरी जो एडिटिंग स्किल्स को कुछ कहिएगा नहीं, क्योंकि भाई मैंने अभी तक कोई एपिसोड ऐसा रिकॉर्ड नहीं करा जेली स्विफ्ट के अलावा। इससे पहले माइनक्राफ्ट का एपिसोड अपलोड करा था, उसकी मुझे ऑडियो इतनी बेकार लगी कि मैं क्या बताऊँ। और पिछले एपिसोड में तो ऑडियो आ रहा था, मुझे पता नहीं इस एपिसोड में आ रही, क्योंकि मेरे पिछले एपिसोड में हेडफोन नहीं लगाया था, इस एपिसोड में मैंने आज हेडफोन लगाया है। तो देखते कि आज के और कल के रिकॉर्डिंग में कितना यानी फ़र्क होएगा, देखते आज की और कल की रिकॉर्डिंग में। कि क्रीपर जा क्यों नहीं रहा वहाँ जा रहा, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे अपनी सील बनानी चाहिए। दरवाज़ा बंद करो, वरना अभी भागते हो कोई स्केलेटन आएगा या बेबी ज़ॉम्बी आएगा और मार देगा मुझको। सील मेरी ये रही है। मैं क्या कर रहा था, उसको लगा कि वो आर्मर की तरह मैं उसको डालने की कोशिश कर रहा, ऐसे आर्मर होता नहीं, हाथ ज़मीन पर दबाए रखो बस पहन लिया तुमने, मैं उसकी तरह कर रहा था। तो या अब उस क्रीपर को वहाँ से हटाया जाए, पर क्योंकि यही एक दिन मुझे मरवाएगा, मैं सोच रहा कि उस क्रीपर को मारने के लिए मैं पीछे से जाऊँ, इधर से जाऊँ, वो क्रीपर मुझको देखे और फट जाए। आ आजा, और तमिया, ए तमिया आ आ फट गया। 1 घंटा नहीं मेरे पास, जल्दी है। हाँ फट फट गया, चलो ठीक है। अभी एक क्रीपर से तो मुझे मिला छुटकारा, और क्रीपर से चाहिए। यहाँ पर रैबिट है, मुझे थोड़ा और आयरन चाहिए मुझे सीएस बनाने, ताकि मैं इन पम्पकिंस को पम्पकिन से पम्पकिन सीड निकाल पाऊँ, क्योंकि मुझे इन पम्पकिन की ज़रूरत नहीं, मुझे पम्पकिन सीड्स की ज़रूरत है। हाँ यार मारी किस्मत, देखो वायरस भी शुरू हो गए। अभी मैं उस जगह वापस जाके, वही जगह है ना जहाँ पे एक बार क्रीपर फट गया था मेरे चेहरे पर, आज ही दिन में तैयारी से आ रहा हूँ, आज मैं नहीं, अब नहीं मरूंगा मैं। ये लग नहीं रहा कि लेग से अभी दिल का सेप बना है आपको? नहीं लग, मुझे तो लग रहा है एकदम आधा दिल का सेप लग रहा है। उस समय मैं यही करने की कोशिश कर रहा था जब उस ट्राइडेंट वाले ने मार दिया, पता नहीं क्या हुआ था, कोई ग्लिच हुआ कि क्या हुआ, मेरे प्लेयर एकदम बढ़ ही नहीं रहा है, रुक गया एक जगह। अगर मैं फिर से मारा रहा बता रहा हूँ, ये एपिसोड बस ख़त्म। अब मैं कहाँ मारा था? ओ मेरा सामान, ट्राइडेंट, ट्राइडेंट डाले, ट्राइडेंट दे दे।
अब तेरी बारी ट्राइडेंट वाले आ। पता नहीं क्या कर रहा है। मैं गया ट्राइडेंट मिला नहीं मिला। ऑब्वियसली ट्राइडेंट मिलना इतना आसान है जितना लगता है। ट्राइडेंट मिलना जितना आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है। चलिए अभी मैं वापस जा रहा हूँ। वापस घर में जाके मैं सारा मैं अपना वापस सामान रख देता हूँ। स्केलेटन हाँ आ जा स्केलेटन। तेरी बस कमी थी तेरे हाथ तो मरना। स्केलेटन क्रीपर से मेरा बहुत बुरा नाता है माइनक्राफ्ट में। जब से मैं माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ हाँ माइनक्राफ्ट में नया नहीं मैं पहले भाई बहुत टाइम से खेल रहा हूँ माइनक्राफ्ट। 2015 अंदर से खेल रहा हूँ। जब से माइनक्राफ्ट कुछ लोगों ने नाम ही ना सुना हो मैं तब से खेल रहा था। उस समय कोई नहीं खेलता था भाई। तब से मैं खेल रहा हूँ माइनक्राफ्ट। हाँ क्रीपर ओ मैन क्रीपर ओ मैन सभी वैन साइड 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 टू साइड। चलिए मैं वापस आके अपना सारा सामान रख देता हूँ। जो मैंने नई वाली तलवार बनाई थी मैं पुरानी वाली यूज़ करूँगा। ये तलवार लग रहा है डिस्पॉन या पानी में रह गई। वाह मैंने ठीक से सामान तक नहीं उठाया अपना बस भाग के आया लेके रख दिया। पहले चलिए अगले एपिसोड में मैं अपना घर ही कंप्लीट करूँगा और मैं अपने घर में कल अगले प्रॉपर एडवेंचर पे जाऊँगा। पूरे तैयार व्यार होकर मैं अपने आयरन लेके आयरन आर्मर बनाऊँगा और उस ट्राइडेंट ढूंढने की शुरुआत अभी से कर देते हो ना बाद में बहुत दिक्कत होती मिलता नहीं ट्राइडेंट। तो यार आज के एपिसोड के लिए इतना ही। तब तक के लिए बब्बा है।